तो दोस्तों, स्वागत है आपका IIT JEE 2019 फिजिक्स के सॉल्यूशन पर। और इसका ये है पार्ट फोर्थ। 25th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। तो 26th क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटेंसिटी मिनिमा दैट कैन बी ऑब्जर्व इन द फ्रेनहोफर डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट विड्थ दे रखी है एलुमिनेटेड बाई लेजर बीम वेवलेंथ, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा करके होता है कुछ, तो इसके लिए ये 1 हो जाएगा। ये हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रोमीटर, 10^-6 इज इक्वल टू एन इन टू लैम्डा, कितना है, 0.630, और माइक्रोमीटर 10^-9, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो एन आएगा 10/0.630। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15.8 के तकरीबन। तो हमारा आंसर जो अप्रोक्स आ रहा है वो ये आ रहा है 15.8 के अराउंड। तो बाकी आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला कह रहा है कि ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सी इन अ सीरीज आरसी सर्किट द टिपिकल वेरिएशन। चार्जिंग की बात कर रहा है, तो चार्जिंग में जो हमें पता है जो क्यू वेराई करता है टी के साथ कैसे करता है, ऐसे करता है, और जो करंट वेराई करता है टी के साथ वो कैसे करता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो इसमें हम बताना है कि फर्स्ट और सेकेंड, आप देख रहे हैं कि फिगर फर्स्ट और सेकेंड सही है, तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। अगले पे बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड। तो डेल क्रॉस जो भी होता है वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। जिस भी ऑप्शन में डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो आ जाता है वो पॉसिबल है, और जिसमें नॉट इक्वल टू जीरो आता है वो इम्पॉसिबल है। तो शायद डी ऑप्शन होगा। If the motion of a particle is described by x is equal to this, y is equal to this and z is equal to this, then the trajectory of the particle is, बड़े सिंपल तरीके से आपको इसे मैं बताता हूँ। आप x और y की इस क्वेश्चन को देखेंगे तो x और y की के x और y उसमें x और y की टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो x और y कोऑर्डिनेट्स में ये जो ट्रैवल करेगा, ये देखिए आप एक सर्कल की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक सर्कल की तरह ट्रैवल कर रहा है, बिकॉज एक्स अपॉन इसका स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1। तो रेडियस 5 के सर्कल की तरह बिहेव कर रहा है, और जेड भी कोऑर्डिनेट में कर रहा है, और जेड कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब ये सोच करके देखिए कि एक्स और वाई में तो सर्कल और जेड में एक स्ट्रेट लाइन, तो यानी कि एक ऐसे ऐसे एक ऐसा मोशन शो करेगा। तो बेसिकली इट विल बी हेलिकल मोशन, द पाथ विल बी हेलिकल। अ बॉल ऑफ मास एम इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी थ्रू अ विस्कस मीडियम इन विच द ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी ऑफ द बॉल। नेगलेक्टिंग द बोयंसी फोर्स ऑफ द मीडियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर बेस्ट डिस्क्राइब्स द वेरिएशन ऑफ वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हियर वी कैन सी कि इफ द बॉल इज कमिंग यू नो डाउनवर्ड्स फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, बिकॉज सो द ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट ऑन द मास एम, एंड द सेकेंड इज we have to ignore the buoyancy force of the medium in which the mass m is falling freely under the gravity. So basically ignoring that buoyancy force, we will see that velocity will exponentially increase, because the only force acting on it is a gravitational force. So basically option D will be correct. Okay, so here we come to the section B. These are multiple selective questions. So the first question is the relation between nuclear radius and the mass number is given by this. So here we know the standard equation denoting the radius and the mass number is R is equal to R naught into a raised to the power 1/3. So here equating the two, we find that R naught is equal to 1.2, implies that the central density of nuclei is independent of a. So yes, we know that density is independent of a, as the density is mass per unit volume. तो mass is a, volume is 4/3 pi into r raised to the power cube. R is this, equating putting the value of r here we get is 4/3 pi r naught cube a, तो a से cancel, so it is just independent of a. The first one is correct. Second is the volume energy per nucleon is a constant. So the volume energy binding energy का formula, if we see binding energy formula is, so that is somewhere a1a minus a2 capital A की power 2/3 minus a3 into
जेड इंटू जेड, सॉरी ए की पावर 3/4 माइनस ए 4 इंटू ए माइनस 2z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए और प्लस माइनस 0 ए 5 डिवाइडेड बाय ए की पावर 3/4। सो दिस इज द वॉल्यूम टर्म। सो बाइंडिंग एनर्जी, वॉल्यूम एनर्जी पर न्यूक्लियन, सो पर न्यूक्लियन इज तो डिवाइडेड बाय ए, तो ए से कैंसिल, तो दिस इज जस्ट ए वन, तो ये भी कॉन्स्टेंट आ गया। एट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स हैज अ लॉन्ग रेंज, नो दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट हैज अ वेरी शॉर्ट रेंज एंड द न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। हाँ, तो चार्ज डिपेंडेंट है तो फिर ये भी फॉल्स है, सो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। द नेक्स्ट इज कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ वेलोसिटी वी इन अ फ्रेम विच इज रोटेटिंग विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द कोरियोलिस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट इज। अच्छा, तो देखो एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है मूविंग इन फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम में, सर्कुलर फ्रेम में रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। दो फोर्स होते हैं किसी की भी पूछी जा सकती है, एक होता है कोरियोलिस फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सपोज ये पार्टिकल है, हमेशा हमें पता है कि टेंजेंट के अलोंग जो वी है वो टेंजेंट के अलोंग होता है। सो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंट्रीफ्यूगल, neither about centrifugal nor about coriolis, I am talking about centripetal force. So we know that the direction of the centripetal force is always directed towards the center. Centripetal force, centripetal force. Now the direction of centrifugal is just opposite to that of centripetal, so it will be just directed outwards like this. So this is the direction of centrifugal, and the direction of coriolis force is perpendicular to the velocity's direction, direction of velocity. So direction of velocity is tangent to the circle, so direction of Coriolis, so direction of Coriolis force will be perpendicular to it. This is the direction of Coriolis force. So this is perpendicular to both V and omega. So it is perpendicular to both V and omega because omega is rotating that particle of mass m in a very, you know, in a circular frame, and the direction of V is tangent to it, so the direction of Coriolis force will be perpendicular to the both directions. So this is option C will be only correct. Direction pucha to sirf C hi aayega correct. The gradient of a circular field S, X, Y, Z has the following characteristic. Line integral of a gradient path is gradient is path independent. Yes, it is true. Closed line integral of a gradient is zero. Yes, it is true. Gradient of S is a measure of the maximum rate of change in the field S. किसी भी स्केलर फील्ड का द ग्रेडियंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्केलर फील्ड इज यू नो द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, इट्स ट्रू। ग्रेडियंट ऑफ S इज अ स्केलर क्वांटिटी, द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, नो ग्रेडियंट ऑफ फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। अगला है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द PVT कोऑर्डिनेट्स, चूज द वैलिड एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। अब यू नो वी नो द आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू NRT। ऐसे क्वेश्चन में वट यू हैव टू डू इज कि आपको एक एक बार डिफरेंशिएट करना है। आप जैसे दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दिया तो आपने वट यू विल गेट इज PdV प्लस VdP इज इक्वल टू NRdT। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे PV बाय डेल V निकालना है एट कॉन्स्टेंट टी। पहले इसकी वैल्यू निकालिए, फिर इसकी वैल्यू निकालिए, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब यहाँ से PV बाय डेल V की PdV प्लस VdP इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से PV बाय डेल V की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, माइनस PV, तो इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे ही आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, P को कॉन्स्टेंट रखना है, P कॉन्स्टेंट रखेंगे तो DP इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसे सारी वैल्यू निकालेंगे और इन इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ए और सी जो है इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड मैक्सवेल्स लॉ ऑफ मोशन आर बोथ इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें पता है कि जो मैक्सवेल्स इक्वेशन आर इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूटन्स अंडर गैलीलियन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज फॉर एन अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर,
विद वेलोसिटी, ये मैं एक्चुअली मेरा अभी कॉन्सेप्ट इसमें कुछ थोड़ा सा क्लियर है नहीं, इसलिए या तो मैं आपको अगली कोई वीडियो आएगी उसमें, क्योंकि एक क्वेश्चंस पहले भी रह रहे हैं एक दो, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 भी रह रहा है, तो मैं उसमें लास्ट में क्लियर कर दूंगा आपको ये। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट अ परफेक्ट कंडक्टर। तो ये चारों आप देखेंगे कि कंडक्टर व्यू पोटेंशियल सरफेस होता है, यानी कि पूरे सरफेस पर कहीं भी आप देखेंगे तो उसके जो पोटेंशियल, उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। इन जितना भी चार्ज है वो सरफेस पर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड दिस कंडक्टर, ये भी सही है। जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो भी परपेंडिकुलर होती है। तो आप पढ़ा होगा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा, तो इसमें बड़ा बहुत यू नो हाईलाइट करके ये चारों प्रॉपर्टीज़ लिखाई जाती है, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन भी आया हुआ है इसका। तो चलिए, एक 38th है, इसको भी मैं आपको लास्ट में क्लैरिफाई करूँगा, लास्ट वाली वीडियो में। अगले में आते हैं, कंसिडर अ क्लासिकल पार्टिकल सब्जेक्टेड टू एन अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ई, द पार्टिकल विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ ऑर्बिट इफ। इसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूले में मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला अभी बताता हूँ। चलिए मैं आपको इसका एग्जैक्ट फार्मूला मैं आपको अगली वीडियो में, चलिए मैं आपको आगे क्वेश्चन से अगली वीडियो में कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मुझे फार्मूला एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, और मैं अभी थोड़ी सी जल्दी में हूँ, इसलिए मैं आपको बाद में अगली वीडियो में 39 से हम शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।